अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अरे बिटिया, वहाँ आंखें बंद करके काय खड़ी हो? सब ठीक तो है ना? जो सपना अभी देखा है, अपनी सच्चाई को उस सपने जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि उस नकचड़े को देखते ही पता चल जाएगा कि कितने सालों से हम उसका इंतजार कर रहे हैं। देखते ही पता चल जाएगा कि वो हमारे लिए क्या है। काका, हम यहाँ एक खास दोस्त को बुलाना चाहते थे। इस जगह को थोड़ा सजा लें। बिटिया, जब से देखे हैं तुम दूसरों के लिए करती आई हो, कभी गरीब बच्चों के लिए दूध लेके देती हो, कभी बिस्किट लेके देती हो, आज पहली बार अपने लिए कुछ कह रही हो। मना करेंगे तो भोलेनाथ भी नाराज हो जाएंगे। कर लो बेटा। थैंक यू। आराम से आराम से। अरे भाई संभाल कर, 2.5 लाख का टीवी है, क्या कर रहे हो? 2.5 लाख का टीवी? किरण, लॉटरी लगी है क्या कोई? हाँ, जो तुम्हें महंगा लग रहा है ना, हमें वो सस्ता लगता है। क्लास की बात है। तुम किसका इंतजार कर रही हो? हाँ जाओ, ताकि हम सोच पाए रखे कहाँ, और हमारी परमिशन के बगैर कभी हमारे घर पे मत आना। अक्षय, टीवी तेरे लिए, इतना बड़ा टीवी कहाँ से आ रहा है, इतना सामान? ओहो, फकीर चंद, तुम आम खाओ ना, गुटलियां क्यों गिनते हो? जो सामान तुम्हें लेकर आना चाहिए था ना, वो हम लेकर आए। हाँ, बिटिया, किसके लिए ये सब तैयारी कर रही हो? कोई खास है क्या? बचपन का दोस्त है। लगता है कुछ ज्यादा ही खास दोस्त है। सब कुछ है। बताओ ना, कहां से बाजी मारी? बाजी नहीं मारी, बाजी पलटी है। जो जिंदगी ने हमें नहीं दिया ना, हम ये सब उसके मुंह से छीन कर लाए हैं। एक ऐसा मौका जो हमें रातों रात अमीर बना देगा। गुमुत तो अवंतिका के प्यार में ऐसी अंधी हो गई है कि हम जो कहते हैं चुपचाप मान लेती है। ये तो शुरुआत है। अब हम उस अन्नपूर्णा देवी से अपना पूरा घर बनवाएंगे। उस दिन 10 लाख नहीं जीत पाए थे ना अन्नपूर्णा महोत्सव में, अब 10 करोड़ लेकर रहेंगे। हमारी समझ में ये नहीं आता कि इतनी कम अकल वाली घुमुत इतना बड़ा बिजनेस कैसे कर पाई। अकल और शकल से तो कुमुद हमारे पांव के जूती के बराबर भी नहीं, और अब वो पैसे और ओहदे से भी हमसे नीची होगी। मॉम, मॉम, यू आर द बेस्ट। वो ऐसे मिल। पता ही था मुझे, यही होगी तुम लोगों की सच्चाई। बड़ा ज्ञान देते हैं लोग, गरीब लोग अच्छे होते हैं। ये होते हैं गरीब लोग, ब्लडी चोर, मक्कार, धोखेबाज, झूठे। और मॉम, ऐसे घर की लड़की को मेरे लिए आइडियल लड़की मान रही थी, आदर्श बहू मान रही थी। जब अगस्त्य आएगा तब बनाएंगे।
हवा में उड़ेगा तो पूरा माहौल प्यारा हो जाएगा, मीठा मीठा, वैसा ही जैसा हमने सोचा था। ओ, तू इधर क्यों खड़ा है? हाँ, बाहर जा, जाके दूसरा फर्नीचर लेकर आ। क्या घूर क्यों रहा है तू ऐसे मुझे? अब अक्षय, देख जरा इसे। ओए, सुनाई नहीं आ रहा माना क्या पूछा? मम्मी, मम्मी, 1,00,000 का फोन है उसके पास। 1,00,000 का फोन? कहाँ से चोरी किया? हाँ, बोल बोल, कहाँ से चोरी किया? इसने तो हमारे घर से चोरी किया होगा। इतना महंगा फोन तो मोहल्ले में किसी की औकात नहीं रखने की। अक्षय, देख इसे जरा। मदर इंडिया, उठा लीजिए किरण आंटी, उठा लीजिए, स्पीकर पे भी डाल दीजिए, सबको पता चल जाएगा कि मैं कौन। अगस्त, तुम अवंतिका से मिलने गए ना बेटा? कब आओगे अगस्त? कहाँ रह गए? आके बताता हूँ सब कुछ माँ। तो ये कोई रिश्ता नहीं, मौका है आप सबके लिए, अमीर बनने का दाव है, पैतरा है। मेरी माँ आपके लिए कोई बचपन की सहेली नहीं, एक मुर्गी है, सोने का अंडा देने वाली मुर्गी। आप अपनी बेटी के लिए लड़का थोड़ी ना ढूंढ रहे हैं, आप लोग ढूंढ रहे हैं एक ATM मशीन, एक ब्लैंक चेक, एक फ्री सर्विस जो आपका ये घर भर सके। बेटा बात तो सुन, सही कहा आपने, मेरी माँ ज्यादा सियानी नहीं है, आप जैसे लोगों पे इतना ट्रस्ट कर लेती है इतनी जल्दी। मेरी माँ बहुत सक्सेसफुल है, लेकिन वो और सक्सेसफुल और कामयाब हो सकती थी अगर वो आपकी तरह थोड़ी शातिर होती तो। पता है मेरी माँ की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमी क्या है उनमें? उनकी अच्छाई, जिसका आप जैसे लोग खूब फायदा उठाते हैं। मुझे ना किरण आंटी, शुरू से पता था कि आप ये रिश्ता ना कुछ कुछ तो फायदे के लिए कर रही हैं। इमोशंस के लिए नहीं कर रही हैं। मेरी माँ शायद भूल गई थी आपको, लेकिन मुझे अच्छे से याद था किरण आंटी कि आप कौन हैं और कैसी हैं। और रही बात आपकी बेटी अवंतिका की, अगर माँ ऐसी है तो मुझे पूरा यकीन है आपकी बेटी अवंतिका भी आपके जैसी बन गई होगी। बिटिया, एक समस्या आ गई है, दुकान बंद करनी पड़ेगी। एक मिनट, फोन उठाओ अगस्त, खाओ तुम। कहीं बिजी हो गए होंगे, कुछ काम पड़ गया होगा। आई एम प्रीटी श्योर ये पूरा प्लान भी आप दोनों का ही होगा। नहीं बेटा बैठो, बस बहुत हो गया बैठने का, बात करने का, सारी चीजों का टाइम खत्म। अब फैसला सुनाने का टाइम है।
रिश्ते की सारी बात आज खत्म होती है। अवंतिका, काफी टाइम बाद बात हो रही है, शाम को मिल रहे हैं ना? ओरे पिया मन बसिया, काहे मन के बात न मानी पिया। पकड़े जाने के बाद तो हर चोर के पास सफाई होती है, लेकिन ये बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों की सारी असलियत मेरे बस। किरण के घर पे आकर किरण को ही सुना रहे हो? जानते भी हो किससे बात कर रहे हो? हाँ, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, लेकिन शायद आप नहीं समझ पा रही हैं कि आप किससे बात कर रही हैं। ओ, किसको अकड़ दिखा रहा है? हाँ, अकड़ नहीं, अभिमान है मेरा। और आप जैसे लोगों को उनकी औकात समझाना काम है मेरा। मां को बहुत जल्द सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा। मां ये रिश्ता जोड़ने आई थी और मैं ये रिश्ता तोड़ के जा रहा हूं, हमेशा हमेशा के लिए। सब खत्म कर दिया तेरी माँ ने, सब बर्बाद कर दिया। हमने खत्म किया, हमने खत्म किया। अरे, हमारा गला दबाकर हमारी जान लेने की कोशिश की है। एक बार जेल जा चुके हो ना, देखना इस बार ना खून के इल्जाम में फांसी होगी तुम्हें। जेल? किसकी वजह से गए थे हम जेल? चुप हो जाओ। बता। प्लीज चुप हो जाओ। बाबा। क्या पागल इंसान है, कहां से जोर आता है इसमें? बाबा प्लीज। परिवार में कोई ऐसे लड़ता है क्या? ऐसे बात करते हैं लोगों से? पापा, आप क्यों रोज माँ को दोष देते हो? अगर ऐसा करोगे तो कभी अतीत से बाहर नहीं निकल पाओगे। माँ, आप क्यों पापा को उनका अतीत याद दिलाते रहते हो? क्यों? ये सामान
ये सामान कहाँ से आया है? बता बता इसको, तेरे लालच ने इस सामान की वजह से अगस्त्य और अवंतिका को अलग अलग कर दिया। हाँ हाँ हाँ, सारा दोष हमी पर लगा दो, कोई जरूरत नहीं है हम पर ये दोष लगाने की। ये सब ना उस कमीनी कुमुद ने किया है। चुप कर, दूसरों को दोष देने से पहले अपने को देख। सबको पता है इस घर में जो कुछ भी होता है सब तेरी करतूत होती है। पापा, पापा प्लीज। बेटा, मैं तो जिंदगी भर अच्छे काम किए हैं ना, फिर भी तुझे बार बार सजा क्यों मिलती है, क्यों मिलती है? पापा, पर हुआ क्या है? हम बताते हैं कि हुआ क्या है। अरे वो जिसे हम भोली भाली कुमुद समझते हैं ना, एक नंबर की चालाक औरत है वो। ये सपना उसने हमें अपमानित करने के लिए किया है। अरे ये पहले सारा सामान यहाँ पर भेज दिया और फिर सारा दोष हमें पर मढ़ दिया कि हमने मंगवाया है, हम लालची हैं। और जानती है ये सब कुछ ना उसने खुद ने किया। किससे करवाया पूछो, किससे करवाया? किसे? अपने बदतमीज बेटे से। रिश्ता तोड़कर गया है वो यहाँ आकर। हाँ, तोड़ दिया मैंने रिश्ता माँ, बेवजह नहीं तोड़ा, रीजन है मेरे पास। सिर्फ इल्जाम नहीं लगा रहा हूँ, साबित करके आया हूँ। लालची हैं वो लोग। किससे पूछ के किया तू नहीं है? अपनी माँ के लिए कोई मान नहीं है तेरे मन में? माँ, वहाँ जो हो रहा था ना वो मेरे और किरण के बीच की बात है। तुझे बीच में बोलने को किसी ने नहीं कहा। तुझे सिर्फ एक बात कही थी अगस्त्य कि जा और जाकर अवंतिका को मिल क्या। तूने वो भी नहीं किया। बेचारी इंतजार करती रह गई तेरा। कोई बेचारा बेचारा नहीं है माँ वहाँ पे, सबना एक से बढ़कर एक चालबाज है। अवंतिका, किरण आंटी, सबके सब। इतना जलील तो हम कभी किसी से नहीं हुए। क्या क्या नहीं कहा उसने हमें। अरे रिश्ता तोड़ना ही था तो जोड़ा ही क्यों? पापा, 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 उठे, क्या हो गया पापा? पापा, पापा, होश में आइए। प्लीज हमारी मदद कीजिए ना। ये इंसान हमें जान से मारने की कोशिश करे और हम किरण इसकी मदद करे ना, हमसे नहीं होगा। अरे रोज का नाटक है इनका, पड़े रहने दो इधर ही। आपको आपको पता भी है वो आपके बारे में बोल क्या रहे थे? मुझे ना बोलते हुए भी शर्म आ रही है माँ। आप अवंतिका के प्यार में पागल हो चुके हो, आप कुछ भी कर दोगे उसके लिए। माँ, आप ना उनके लिए एक सोने का अंडा देने वाली मुर्गी हो और कुछ नहीं। देखो अगस्त्य, हर इंसान अपने घर की चार दीवारी में चार तरह की बातें करता है, लेकिन अगर हम इस हिसाब से सब सोचने लगे तो कोई रिश्ता नहीं टिकेगा। लेकिन किसी के भी घर में भेष बदल के जाना, उनसे बदतमीजी करना, उनकी पर्सनल बातें सुनना, ये मैंने तुम्हें नहीं सिखाया है अगस्त्य। और एक बात और बताती हूँ, ये रिश्ता हम और किसी वजह से नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अवंतिका की वजह से कर रहे हैं। अवंतिका नहीं, किरण आंटी की बेटी अवंतिका, उसकी माँ है वो। एक ही घर में रह रहे इतने सालों से, कितनी अलग होगी अवंतिका अपनी माँ से। ऐसे तो तुम भी हमारे बेटे हो अगस्त्य, तुम क्या हमारे जैसे हो? कृष्णा, दरवाजा खोलो भैया। पापा, पापा, पापा उठिए, पापा उठिए। पापा को देखो क्या हो गया। अरे ये क्या, पापा का मर्डर वर्डर कर दिया क्या? चुप, पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आ क्या हमारी मदद कर। अरे क्या हम कोई मदद नहीं करने वाले? एक तो घर पे कोई रील बनाने देता नहीं है, हम जा रहे रील बनाने। अरे लेकिन पापा को क्लिनिक लेके जाना है, रिक्शा तो बुलवा दो। पापा, पापा उठिए, हम आपको लेकर चलते हैं, उठिए। क्या क्या कह रहे हो माँ, मैं क्या आपके जैसा नहीं हूँ? हम लोगों की गलतियां माफ करते हैं, तुम करते हो?
हम बिना सोचे समझे किसी के बारे में फैसला नहीं लेते, लेकिन तुम लेते हो। अगर हमने किसी से वादा किया है कि हम उसको मिलेंगे और वो हमारा इंतजार कर रहा है, तो हम उससे मिलते हैं, अपना वादा पूरा करते हैं। तुमने किया? तुम तो अवंतिका को मिलने भी नहीं गए। तुम कहां से हमारे जैसे हो? तुम विदेशी हो गए हो अगस्त्य, विदेशी हो गए हो। तुम्हारी मां ने तुम्हें ये सब नहीं सिखाया। मां, ऐसा कुछ भी नहीं। कह तो सही रही है मां, मैंने अवंतिका से मिलने का वादा किया था और बिना कुछ बोले सीधा घर आ गया। नो नो नो, दिस इज नॉट राइट अगस्त्य। शायद अभी भी वहीं होगी, जाकर मिलना चाहिए। फुल लिवर पंप करना पड़ेगा, लिवर की हालत भी ठीक नहीं है, और भी कुछ टेस्ट करना पड़ेगा। 50,000 रुपया जमा करवा दीजिए।